हाय एवरीवन, आप सबका फिर से धनबाद में स्वागत है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो वीडियो के साथ साथ ये पार्ट टू वीडियो है गाइस, कोई भी ब्लॉग नहीं है। जो पिछला वीडियो मैं अपलोड किया था तो उसी का पार्ट टू है। अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर मेरे वीडियो पर जाकर आप देख सकते हो फर्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो में गाइस एक मीटअप था मनोज जी के साथ, जो कि ये चकले चाय बार धनबाद में एक रेस्टोर है, वहीं पे मीटअप था। तो उसी का वीडियो है, तो उसी का ये पार्ट टू में लाया इसलिए क्योंकि गाइस अगर मैं एक साथ वीडियो पर डालता तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, लगभग 25 से 30-45 मिनट हो जाता। तो इस वीडियो में गाइस आप लोगों को एक मनोज जी का स्पीच है, जो कि ये मोटिवेशन स्पीच है। तो इस वीडियो को पूरा देखना गाइस, नहीं तो आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा नहीं। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो छोड़ के जा सकते हो वीडियो को। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो तो इस स्पीच को पूरा सुनना गाइस। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप मोटिवेशन चाहते हो तब। तो चलिए थोड़ा सा ऑडियंस रिक्वेस्ट है कि एक साइड आ जाए। तो सबसे पहले तो पूरी चकले चाय बार टीम को बहुत सारी धन्यवाद और शुभकामनाएं कि ऐसे इवेंट्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। जनरली मुझे जहाँ तक याद है कि ऐसे इवेंट्स अभी तक बड़े बड़े शहरों में ही होते थे, लेकिन अब धनबाद में ही हो रहा है। तो थोड़ा सा मेरा जो मोटिव है वो अभी चकले चाय बार टीम के पीयूसी से भी रिक्वेस्ट होगा। अभी हमारे मनोज सर आए थे और ज्योति श्री मैम भी आई थी, तो हम लोग जो वेलकम का जो ट्रेडिशन होता है, जो तरीका होता है, उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया गया, वो इनिशिएटिव लिया है। तो मैं पीयूष जी से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे पेड़ जो है सो की गिफ्ट के तौर पे लाया गया है, वो मनोज दे सर को और एक ज्योति श्री मैम को गिफ्ट किया जाए चकले साहब आप टीम की तरफ से, उसको निकाल दिया। ये ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि नेचर ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि नेचर को भी हम कुछ रिटर्न करें। यदि ये कल्चर को हम लोग स्टार्ट कर पाते हैं कि जो लोग भी हम लोग स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, उनको एक पेड़ दें, तो इस तरह से हम लोग नेचर में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो धनबाद के युवा हैं। तो ये सारे युवा, चूँकि युवा के ऊपर हमेशा ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है, तो वो लोग इस इनिशिएटिव को जरूर आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाएंगे तो आप लोग एक पेड़ के तौर पे जरूर गिफ्ट करेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं चाहूंगा मनोज जी सर से भी इस इनिशिएटिव के ऊपर दो शब्द कहें। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से धनबाद में स्वागत है। सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं मेहनत लगता है, समय लगता है, वीडियो बनाइए, एडिट कीजिए, बाकी फिर हर एक काम के लिए समय निकालिए, सब काम करना चाहिए, सब कुछ कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। थैंक यू। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कहा सर, पेशेंस लाइफ में आपको हमेशा रखनी पड़ेगी। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी काम को आप स्टार्ट करते हैं उसमें आपका नियत और आपकी ईमानदारी हमेशा साफ होना चाहिए। आप देखे होंगे मनोज सर का बहुत सारे वीडियो, कहीं पर भी आपको इनके नियत पे कभी शक नहीं होगा। हाँ, गलतियां इंसान से होती हैं और गलतियां इंसान को करनी भी चाहिए, लेकिन गलती में कंडीशन है कि गलती आपको एक बार ही करनी चाहिए, उस गलती को आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। इसलिए आपका नियत साफ होना चाहिए और काम को आपको ईमानदारी से करना चाहिए, और उसमें जब आपका हार्ड वर्क होता है तो विश्वास मानिए ऊपर वाले भी आपको सक्सेस से नहीं रोक सकते हैं। आप मनोज सर को आज सभी लोग देखने के लिए आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा इनका साफ नियत, ईमानदारी और हार्ड वर्क, यही तीन चीज है जो आज इनको यहाँ पे सक्सेस दिलाया है। और चौथा आपका पेशेंस है, इन चारों, पांचवा नेवर गिव अप, इन पांचों प्रिंसिपल्स को जब आप फॉलो करते हैं तो ऊपर वाले भी आपको सक्सेस से नहीं रोक सकते हैं। बचाऊंगा मनोज सर इसमें दो सब। हाँ, तो वही बात भैया जो बोले कि सब कुछ पॉसिबल है, लाइक ये कहा है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ठीक है, मेहनत के सिवाय तो कुछ ऐसे भी नहीं मिलता। और अभी मैक्सिमम लोगों का मैं देखता हूँ कि घर पे आते हैं मिलने, भैया सपोर्ट कर दीजिए, कम्युनिटी पोस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, स्टोरी लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मेरा किसने शेयर किया,
किसी ने शेयर नहीं किया था ना मैं किसी के पास गया। लाइक यह है कि सोशल मीडिया पे आप अपने खुद से ही ग्रो कर सकते हो, कोई ग्रो करवा नहीं सकता। लाइक मैं अगर जबरदस्ती बोलूँ कि इस भैया को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, मेरे बोलने से आप सब्सक्राइब तो कर दोगे, लेकिन इनका वीडियो कब देखोगे? जब आपको इंटरेस्ट होगा, अच्छा लगेगा। आप जबरदस्ती क्यों देखोगे मेरा बोलने से? बात यही है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो ही आप मुझे देखोगे। हो सकता है कुछ स्टार्टिंग डेज में देख लोगे कि मैंने बोल दिया, चलो भाई देखे देखते हैं भैया ने बोला है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं देखोगे। इसीलिए अपने कंटेंट पर फोकस कीजिए, अपने चैनल को आप खुद ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कंटेंट को इम्प्रूव कीजिए, अपना वो देखिए कि क्या आपका कमी है। जिन्होंने बहुत सही बात कहा, जिस प्रकार से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई डिफरेंटली एबल्ड नहीं है। डिफरेंटली एबल्ड मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं दिव्यांग। तो आप खुद समझिए कि जब आपको दिव्यांग होना नहीं पसंद है, तो सेम YouTube के केस में भी होता है कि वहां पे आप मतलब जैसे कि दिव्यांग को एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है चलने के लिए। जब फिजिकली आप मतलब कि जैसे कि दिव्यांग होना पसंद नहीं है, तो वहां पे सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं? आप जब अपने पैरों पे फिजिकली चल सकते हैं, तो वहां पे भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। और चूंकि मुझे ज्यादा जानकारी है, बहुत सारा बचपन से ही मतलब कि धनबाद में ही रहे हैं, तो धनबाद के जो भी युवा है, धनबाद के लिए भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग धनबाद में बदलाव के लिए 15 मार्च को हम लोग एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि गया पुल के ऊपर नया फ्लाईओवर का निर्माण हो। तो यदि अगर मनोज जी सर कोई इनिशिएटिव अच्छा लगे कि धनबाद में गया पुल के पास जाम की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, इसमें नया फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए, मैं चाहूंगा मनोज सर इसको भी बोल सकते हैं। जी वो तो काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन वहाँ पर जैम भी काफी ज्यादा रहता है, जब भी आता जाता हूँ उस रास्ते से, एंड वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर मुझे टाइम मिले तो मैं बिल्कुल इसमें भी आऊंगा, ठीक है, सपोर्ट के लिए। गाइस ये है यूट्यूबर का क्राउड।